नमस्कार आईडीपी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अब तक 64 एफआईआर कमाना कोई छोटी बात नहीं और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इतने एफआईआर से घिरे होने के बाद भी मानसिक रूप से संतुलित हो। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 64 एफआईआर दर्ज होते हुए भी शांत की जिंदगी जी रहा है। और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति से मिलने के लिए पुलिस तक को मनाही है और वह कोई और नहीं बल्कि सीएनआई का तथाकथित मॉडरेटर पीसीसी है, जिसे लेकर अभी हाल ही में प्रयागराज के बिशप जॉन अगस्टिन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने पूरे विश्व में पीसीसी के खिलाफ दर्ज 64 एफआईआर की लिस्ट जारी की है। अगर वाकई यह लिस्ट सही है और पूरे दुनिया भर में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, तो ऐसे में केंद्र सरकार को व तमाम लोगों को आतंकवाद से डरने के बजाय पीसीसी से डरना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतने सारे अपराधों से घिरा होने के बावजूद भी स्वतंत्र घूम रहा है, जिसे सलाखों के पीछे डालने की जहमत ना तो केंद्र सरकार उठा पा रही है और ना ही पुलिस, तो इससे बड़ा खतरा देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता। यही कारण है कि स्वकल्पित मॉडरेटर पीसीसी शिक्षा माफिया, भू माफिया, धन उगाही, संस्था की जमीनों को औने पौने रेट में बेच देने जैसे कृत्यों को अंजाम देते आया है। इसका मुख्य उद्देश्य मिशनरी संस्थाओं को मार्ग से भटकाते हुए जल्द से जल्द संस्था की संपत्तियों को बेचकर अपनी स्वयं की संपत्तियों को बढ़ाना है। आज तक पीसीसी ने चर्च वेलफेयर के लिए ना ही कोई संस्था बनाई है और ना ही कोई स्कूल। इन सारे कृत्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पीसीसी के कूट रचित 100 अरब का मामला देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा अगर सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष जांच करे तो, वरना वह दिन भी दूर नहीं जब पीसीसी अपने चमचों के साथ मिलकर पूरे मिशनरियों को तबाह कर देगा। अभी के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ आईडीपी 24 न्यूज में। और हाँ, यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।